हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल C92 यूसुफ से यूट्यूब तक में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ ए मोटर फॉर ए पर्टिकुलर ब्लोअर। एक ब्लोअर के लिए मोटर का साइज़ क्या होगा, मोटर का सिलेक्शन क्या होगा, इस वीडियो के जरिए हम देखेंगे। दोस्तों, हम अपने इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरर से फैन प्रोक्योर करते हैं और फ़ैन के साथ जो है एक मोटर लगा होता है। बट बहुत सारे मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए, ऑर्डर को गेन करने के लिए, वो लोग जो है फ़ैन का साइज़, मोटर का साइज़ जो है अंडर साइज़ दे देते हैं, जिससे क्या होता है मोटर का जो एफिशिएंसी होता है वो मिल नहीं पाता, फैंस का जो एफिशिएंसी होता है वो अचीव नहीं हो पाता और जो है हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमें मोटर का साइज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक फ़ैन है जिसका कैपेसिटी दिया हुआ है, तो उस फ़ैन का पर्टिकुलर मोटर का साइज़ क्या होगा वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कोई भी मैन्युफैक्चरर हमें बेवकूफ़ बना सकता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो के ज़रिए हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर फ़ैन का मोटर का साइज़ क्या होगा। एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं कि हाउ विल यू सेलेक्ट ए मोटर फॉर ए पर्टिकुलर ब्लोअर और फैन ऑफ कैपेसिटी 13,900 CFM। एक ब्लोअर जिसका कैपेसिटी कितना है 13,900 CFM और स्टैटिक प्रेशर कितना है 35 mm, टोटल स्टैटिक प्रेशर 35 mm ऑफ वाटर गेज, और इस फैन का एफिशिएंसी कितना है 72%। तो हमें बताना है कि इसका मोटर का साइज़ क्या होगा। फाइंड द साइज ऑफ द मोटर और सेलेक्ट द मोटर, जो भी हो सकता है। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या क्या दिया है दोस्तों, पहला दिया हुआ है 13,900 CFM जो फैन का कैपेसिटी है, और दूसरा क्या है स्टैटिक प्रेशर ऑफ फैन 35 mm ऑफ WG। नेक्स्ट क्या है इफिशेंसी ऑफ द फैन, इफिशेंसी ऑफ द फैन क्या दिया हुआ है 72%। ये तीन पैरामीटर्स दिए हैं, इसकी मदद से हमें फैंस का मोटर का साइज़ मालूम करना है। तो दोस्तों, एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ये इसरे हैंडबुक में भी आप लोगों को मिल जाएगा। मोटर BHP मीन्स ब्रेक हॉर्स पावर, मीन्स इसके जो शाफ्ट में जो पावर होता है उसे हम कहते हैं BHP। जो शाफ्ट में पावर रिक्वायरमेंट होता है, मैंने फ़ैन को घुमाने के लिए जो पावर रिक्वायर्ड होता है वो होता है BHP। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैन कैपेसिटी कौन से यूनिट में होना चाहिए इन CFM इनटू SP कौन से यूनिट में होना चाहिए इंच WG इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर होल डिवाइडेड बाय, हम क्या लिख सकते हैं 6354 इंटू इफिशेंसी ऑफ द फैन, जिसको हम ईटा से डिवाइड करेंगे ईटा। तो दोस्तों, फ़ैन का कैपेसिटी क्या है एक एक करके हम पुट कर देते हैं। फैंस का कैपेसिटी यहाँ पे 13900 इन CFM इंटू स्टैटिक प्रेशर हमको जो है इंच ऑफ वाटर गेज, बट हमारे पास स्टैटिक प्रेशर किस में दिया हुआ है mm ऑफ वाटर गेज। तो mm ऑफ वाटर गेज को इंच ऑफ वाटर गेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम 25.4 से डिवाइड कर देंगे इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एयर। दोस्तों याद रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी एयर जो है 1 कंसिडर किया जाता है, डिवाइडेड बाय 6354 जैसा है मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6354 वैसे लिख देंगे, एंड इफिशेंसी ऑफ द फैन, फैन का इफिशेंसी कितना है 72%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.72 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.72 आएगा। अब दोस्तों, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के बाद समथिंग अराउंड ये 4.18 HP आ जाएगा। दोस्तों, अब ये 4.18 HP जो है ये BHP है, BHP माने पावर रिक्वायरमेंट इन शाफ्ट ऑफ अ
ब्लोअर, बट ये तो पावर रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसका मोटर का पावर क्या होगा, मोटर में कितना पावर कंज्यूम करेगा। तो मोटर में पावर कंज्यूम करने के लिए हम जो है मोटर के वेस्टेजेस को भी कंसिडर करते हैं। उसके कंसिडर करने के लिए हम जो है एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 से 1.5 के बीच में हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों देयरफॉर मोटर साइज या मोटर सेलेक्टेड मोटर, इसको हम 4.18 HP को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरा आ जाएगा 6.2 HP। अब 6.2 HP का तो कोई मोटर नहीं होता है, स्टैंडर्ड साइज जो होता है मोटर का 3 HP, 5 HP और 7.5 HP होता है। तो यहाँ पे एक मोटर का सिलेक्शन साइज ला ले, क्या लेंगे हम 7.5 HP। तो सेलेक्टेड मोटर क्या होगा दोस्तों, सेलेक्टेड मोटर विल बी 7.5 HP। तो दोस्तों हमने देखा, और 7.5 HP को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगर 7.5 × 0.746 से, तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये अराउंड 5.5 किलोवाट आएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि एक फ़ैन है जिसका कैपेसिटी 13,900 CFM है, स्टैटिक प्रेशर कितना है उसका 35 mm ऑफ WG, और इस फैन का एफिशिएंसी कितना है 72%। तो हमने इसका आसानी से इसका मोटर का साइज निकाला, जो निकलेगा कितना 7.5 HP, और इसको अगर 0.746 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 5.5 किलोवाट। तो इस तरह से जो है हम आसानी से किसी भी फैंस का, किसी भी ब्लोअर का मोटर का साइज निकाल सकते हैं। और ऐसा करने से हमें कोई भी फ़ैन हम अगर परचेस करते हैं तो हमें ये कैलकुलेशन करके फैंस का मोटर का साइज देख लेना चाहिए, नहीं तो अगर मैन्युफैक्चरर अंडर साइज दे दिया तो हमें जो है इन फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।